हरे कृष्णा। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, ग्लोसी पोटिको सर्वसंपूर्ण चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। ये वीडियो है लड्डू गोपाल के साथ ट्रेवल करने की। उनको हम इस बास्केट में कैसे ले जाते हैं, पहले आपने सेम बास्केट में उनका ट्रेवल वीडियो देखा है जब हमारे पास सिर्फ कान्हू थे। अब मुकुंद भी है तो उन्हें कैसे रखा है, क्या क्या सामान मैनेज किया है। ये पूरा बैम्बू का बास्केट है, यानी बांस का बना हुआ, प्लास्टिक का नहीं है और बहुत ही आरामदायक है। तो आइए चलिए फटाक से देख लेते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे मैनेज किया है। यहाँ पर हमारे कान्हा और मुकुंद विराजमान हैं, मंकी कैप पहने हुए। इन्हें हम बाहर रख करके दिखा देते हैं कि क्या क्या सामान हमने इसमें रखा है। ये देखिए, इसमें ये रखा है चवर, इनका गौ माता है जो साथ में आई थी और साथ में जाएंगी। ये इनका ब्लैंकेट है, ये इनको सपोर्ट देने के लिए दो तकिए भी इसी में रखे हैं। ये भोग रखा है और इधर तुलसी माला और इनकी बंसी रखी है। दोनों कन्हैया की बंसी है, तकिया है और इनको आराम से बैठने के लिए सॉफ्ट ब्लैंकेट यहाँ पर लगाया हुआ है और साइड में सपोर्ट भी दिया हुआ है कि इन्हें कुछ चुभे नहीं। यहाँ पर सरस्वती लक्ष्मी मैया है, यहाँ पे गणपति भगवान है। इस प्रकार ज़्यादा कुछ निकाल करके मैं शो नहीं करूँगी। यहाँ पे इनके मालिश का तेल है, डाबर का बादाम तेल। और इसके नीचे इनके स्वेटर हैं, इनको भोग लगाने के बर्तन हैं, इनके डेली वेयर का कपड़ा है, थोड़ा सा बनियान चड्डी लंगोटी ये सारी चीज़ें हैं। और ये बॉक्स है जिसमें छोटी छोटी सी ज्वेलरी रखी है, चंदन पाउडर है। 6 कंपार्टमेंट का बॉक्स है ये, नज़रिया वगैरह सब कुछ इसमें रखा है। तो जब हम इन्हें भोग लगाएंगे तो ये सारी चीज़ें यूज़ कर लेंगे। अब मैं वापस ये सेट कर देती हूँ। बहुत लोग पूछ रहे थे मुझे कि ये बास्केट कहाँ से लिया है, तो ये बास्केट मैंने अमेज़ॉन से ऑनलाइन लिया है। उस टाइम पे यही वाली बास्केट अवेलेबल थी, इसके साथ जो थी उनके उनमें ये कवर नहीं था तो मुझे थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लगा। अब हम मुकुंद बाबू को बिठा देंगे आराम से ऐसे सपोर्ट दे करके यहाँ पर। ये देखिए, इस प्रकार वो यहाँ पर विराजमान हो गए हैं। साथ में अपने कान्हा को भी यहाँ पर विराजमान कर लेंगे इनके सामने। और इनके ब्लैंकेट रख देंगे अच्छे से, इनका भोग रख देंगे सामने, इनकी गौ मैया रख देंगे, यहाँ पर चवर, यहाँ पर देखिए लक्ष्मी जी सरस्वती जी हैं आराम से। ये इनकी बंसी इधर साइड में मैं रख दूंगी,
और ये इनकी तुलसी माला भोग के साथ। आराम से ये दोनों इसमें लेट भी जाते हैं, इसमें बैठ भी जाते हैं और अच्छे से इनको भोग लग जाता है और बहुत आराम रहता है। इस टोकरी को मैंने खुद से डेकोरेट किया था, हर तरफ से मोर पंखी वगैरह लगा करके। पूरा डेकोरेशन तो लास्ट टाइम मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आप वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। अब मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। फिर से एक बात बोलूँगी कि पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, इससे हमारे मुकुंद और कानू को भी अच्छा लगता है और मुझे तो सच्ची बहुत अच्छा लगता ही है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए जल्दी से। हरे कृष्णा, राधे राधे।